शीशपाल खेरावाला जीत गए हैं। ये नतीजा आ गया है, हरियाणा में ये पहला नतीजा आया है और ये नतीजा कांग्रेस के पक्ष में आया है, जहां शीशपाल खेरावाला उनके पार्टी के प्रत्याशी कलांवली से चुनाव जीत गए हैं। तो रुझान के साथ साथ अब तेजी के साथ नतीजों में रुझान तब्दील होते हुए परिवर्तित होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब अगर इस पहले नतीजे की आ रहे बात करें तो टैली में भी आप अंतर देख सकते हैं। 34 सीटों पर आगे कांग्रेस, एक सीट पर कांग्रेस जीत चुकी है। 35 सीटें एक तरह से कहें कि अगर रुझान और नतीजों को देखें तो यह नतीजा पहला आ चुका है, कलांवली से शीशपाल खेरावाला कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन 50 सीटें, ये कहें कि 50 सीटें 90 में से बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी आश्वस्त है, बीजेपी उम्मीद जता रही है कि अब इन रुझानों में कुछ ज्यादा बड़ा अंतर नहीं आएगा, बल्कि यही रुझान बदल जाएंगे नतीजों में और एक बार फिर से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बने। और कुछ ही समय में तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी, क्योंकि अब जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होने लगे हैं और जो नतीजे हैं वो लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं। कलांवली से कांग्रेस के शीशपाल खेरावाला जीत चुके हैं, लेकिन 90 में से 50 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई फिलहाल रुझानों में नजर आ रही है। और तस्वीरें चूंकि कुछ ही समय में साफ होंगी तो बहुत ज्यादा बदलाव शायद नहीं देखने को मिलेगा और जीत का हैट्रिक लगाती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर एक अंतर आ रहा है। प्रियंका, एक अंतर आ रहा है टैली में, जो जीत की बात कही जा रही है उसमें कांग्रेस 2 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। देखिए अब 32 और 2 हो गया है, यानी कि 34 सीटों पर बढ़त और रुझान कांग्रेस के पक्ष में है, 2 कैंडिडेट जीत चुके हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की टैली को देखें, जम्मू कश्मीर में 44 सीटों पर इंडिया गठबंधन की बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें बढ़त बनाए हुए 7 सीटों पर जीत चुके हैं। नतीजे भी आ रहे हैं, 51 सीटें कुल मिलाकर जो जीती गई है, 7 सीटें 44 पर बढ़त है, बीजेपी 28 सीट पर या तो बढ़त बनाए हुए है, उनमें से 20 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, 8 सीटें जीत चुकी है। पीडीपी अब भी उम्मीदवार पीडीपी के 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीपीआईएम के उम्मीदवार 1 सीट से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो अब देखिए जैसे जैसे 12 बजने के बाद होता भी यही है कि जो कम राउंड वाली, कम चक्र वाली सीट होती है, कम वोटर्स वाली सीट होती है, जहां पर एक दर्जन 11 या 12 राउंड की काउंटिंग होती है, वहां के नतीजे आने शुरू हो जाते हैं और यही नतीजे आने भी शुरू हो गए। नूह सीट से कांग्रेस के आफताब अहमद चुनाव जीत गए। तो 2 सीटों का जो जिक्र किया प्रियंका, कलांवली वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी जीत गए हैं और नूह सीट से आफताब अहमद यहां कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं। हरियाणा की 2 सीटों पर तस्वीरें साफ हो चुकी है, यहां पर जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं। नूह सीट से भी कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है, तो कांग्रेस की 32 सीटें जैसा कि रुझानों में आ रही है वहां पर 2 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं और 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। नूह सीट की हम बात कर रहे हैं जहां से आफताब अहमद ने जीत दर्ज कर ली है। तो ये तस्वीर तेजी के साथ अब बदलती जाएगी, रुझानों की नतीजों में तब्दील होती जाएगी। दूसरी तरफ अब राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का भी दौर लगातार चल रहा है और कांग्रेस की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी यहां पर बयान आ रहे हैं। मदन राठौड़ को अभी हमने सुना और दावा उन्होंने किया कि आने वाले राजस्थान के उपचुनाव में भी बीजेपी की जीत ही होगी, बीजेपी जीतेगी। तो कॉन्फिडेंस, चूंकि जब आप चुनाव मैदान में जीत हासिल करते हैं तो फिर आप और आश्वस्त हो जाते हैं कि आगे आने वाले चुनावों में आप जीत हासिल करेंगे। बिल्कुल, तो लगातार जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होते चले जा रहे हैं और इन नतीजों को लेकर खास चर्चा भी करेंगे।